हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अनअकैडमी यूट्यूब चैनल, जहाँ पे आप मुझे देख रहे हैं एक लाइव क्लास में। और यहाँ पे हम कंसेप्ट बिल्डिंग कोर्स से रिलेटेड चीज़ों को डील करने वाले हैं, और मेनली जो है दैट इज़ प्लांट फिजोलॉजी से हम डील करने वाले हैं। आज के इस सेशन में मेनली मैं आपको बेसिक से डील करवाऊंगी, एक बहुत ही कोर बेसिक जो होता है प्लांट फिजोलॉजी का, कि आप एक्चुअल में प्लांट फिजोलॉजी में आप पढ़ते क्या हो, जो ये कहते हैं ना पूरा का पूरा सिलेबस का एक आउटलाइन लेना, वैसा मैं आपको एक जो है पूरा का पूरा कंसेप्ट बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको एक इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ, बहुत ही दैट इज इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव से, जो कि अनअकैडमी ने आप लोग के लिए ही लिया है, एंड उसको हम मेनली जो है दैट इज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, सो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इज अ जस्ट अ प्रो लेवल ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन ओनली, लेकिन उसमें लाइक चीज़ें आपको जो देखने को मिलती हैं वो होते हैं कि आपको एडिशनल तरीके से एक पर्सनलाइज कोच दिए जाएंगे, स्टडी प्लानर आपको मिलेगा, स्टडी बूस्टर सेशन, डेडिकेटेड आउटगोइंग सेशंस, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल जो कि अभी फिलहाल में स्टार्ट होगा फ्रॉम मार्च, ओके, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेशन आपको मिलेंगे, स्ट्रक्चर कोर्सेस एंड SOP एंड इंटरव्यू को प्रिपेयर करने के लिए भी आपको यहाँ पे ट्रेन किया जाएगा। तो ये हैं कुछ फीचर्स जो कि मेनली आपको देखने को मिलेंगे दैट इज़ फॉर योर अनअकैडमी दैट इज़ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अगर मैं बात करूँ कि डिफरेंस कहाँ है दैट इज़ योर प्लस सब्सक्रिप्शन एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में डिफरेंस कहाँ है, तो यू कैन सी हियर कि प्लस में आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, आइकॉनिक में भी आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, टेस्ट सीरीज आपको प्लस में भी मिलती हैं, आइकॉनिक में भी मिलेंगी, अनलिमिटेड प्रैक्टिस प्लस में भी मिलता है, आइकॉनिक में भी मिलेगा, स्ट्रक्चर कोर्सेस स्ट्रक्चर तरीके से शेड्यूल आपको प्लस में भी मिलता है, आइकॉनिक में भी मिलेगा। लेकिन प्लस में जो चीज़ नहीं मिलेगी वो है एडिशनल चीज़ जो कि आपको आइकॉनिक में मिलेगी। आइकॉनिक में आपको पर्सनल कोच मिल जाता है, स्टडी प्लानर एंड बाई वीकली रिव्यू हो जाता है, नेक्स्ट स्टडी बूस्टर सेशन आपके लिए अलग से रखे जाएंगे, पर्सनलाइज डाउट सॉल्विंग सेशन होंगे, SOP एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन करवाया जाएगा एंड प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में, एंड दैट इज़ वेरी ऑब्वियस कि अगर आपको बेनिफिट एडिशनल मिल रहा है तो आपको आइकॉनिक के लिए थोड़ा सा पे भी आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। बट जो भी प्राइजेस हैं या जो भी चेंजेस है वो अभी फ़िलहाल में रिवील नहीं किए गए हैं, बिकॉज 15th of January से आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लॉन्च हो रहे हैं। सो आई होप दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल दो स्टूडेंट जिनको कि इस टाइप के दैट इज़ फेवर की ज़रूरत थी, जिसमें कि वो चाहते थे कि दे शुड सी कि हाँ वो अपना परफॉर्मेंस कहाँ पे मतलब कैसे कर रहे हैं और कहाँ कहाँ पे वो अपना दैट इज़ लैक जो पॉइंट लैक हो रहा है उसे वो देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है हमारे पास इसके अलावा जो एक और मेन चीज़ है दैट इज़ कॉम्बैट सीरीज़। ठीक है, CSIR आपके लिए जो है न्यू कॉम्बैट सीरीज़ भी लेकर आया है। कॉम्बैट सीरीज़ मेनली सारे स्टूडेंट्स के लिए है और इसका जो स्टार्टिंग डेट है दैट विल बी फ्रॉम 17th of Jan से ये स्टार्ट होगा। अल्टरनेटिव संडे के बेसिस पे देखा जाएगा मेनली, और ये जो स्टार्टिंग डेट होगी इसकी वो होगी 17th of Jan से, ये फर्स्ट सेशन होगा, 2 बजे होगा। इसको लाइव अटेंड करना ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप लाइव अटेंड नहीं करते हैं तो आप फिर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ही एक्साइटिंग गिफ्ट हैम्पर्स भी रखे गए हैं स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग बेसिस पे, तो आप उसे अवेल कर सकते हैं। और ये सबसे बड़ी चीज़ है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कुछ भी इसके लिए पेमेंट नहीं करनी है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट दीज आर दी डिटेल्स जो कि सब्सक्रिप्शन अभी फिलहाल में लॉन्च हुए हैं। ऑलरेडी 3 बैच क्लासेस चल रही हैं, दैट इज़ Batch 1, Batch 3 एंड अल्टीमेट कोर्स। तो ये सारे के सारे बैचेस ये फिलहाल में अभी रन हो रहा है, ये भी रन हो रहा है, और ये भी 15th of Jan से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मेरी बैच क्लासेस है। इस फर्स्ट बैच क्लास में जो पोर्शन मैं ले रही हूँ दैट इज़ दी यहाँ पे मैं इकोलॉजी ले रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने इवोल्यूशन जस्ट ख़त्म किया है, इसमें मैं प्लांट लूँगी। इसके अलावा स्ट्रैटेजी सेशन मेरा अलग से था, एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी का मेरा इंडिविजुअल क्लासेस अभी चल रही हैं, एंड दैट इज़ सेल बायोलॉजी एंड सेल सिग्नलिंग बहुत ही जल्द आने वाला है। तो ये सारी डिटेल है दैट इज़ रिगार्डिंग दी प्लस क्लासेस। अगर इन केस आप लोग इंटरेस्टेड होते हैं ज्वाइन करने में तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं इन सारे मेथड को यूज़ करके। यू कैन गो फॉर 6 month subscription और 12 month subscription डिपेंडिंग अपॉन योर नीड। बेसिक्स क्लियर है तो 6 month के साथ जाइए, बेसिक्स क्लियर नहीं है तो 12 month के साथ आप जा सकते हैं। यू कैन यूज़ द कोड ज्योति फॉर गेटिंग द 10% डिस्काउंट ऑन योर पेमेंट, एंड टेलीग्राम चैनल का नाम है ज्योति कुमारी अनअकैडमी, आप इसे सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ओके,
तो जैसे कि मैंने कहा, मैं आज आपको एक आउटलाइन दूंगी जिससे कि आपका बेसिक और कंसेप्ट दोनों ही क्लियर हो जाएगा रिगार्डिंग द प्लांट फिजियोलॉजी। जब भी हम प्लांट फिजियोलॉजी में सबसे पहले टर्म्स की हम बात करते हैं, मेनली CSIR नेट से रिलेटेड, तो सबसे पहला कंसेप्ट आता है कि प्लांट को वाटर, फूड एंड मिनरल्स, ये सब कहाँ से मिलते हैं। ठीक है, ये कहाँ से मिलते हैं? तो दैट इज वेरी ऑब्वियस कि वाटर जो है, वाटर वाला एरिया प्लांट में मेनली कौन एब्जॉर्ब करता है? रूट। ठीक है, फूड कौन बनाता है? लीव्स। मिनरल्स भी कहाँ से मिलते हैं? रूट्स। रूट ही एब्जॉर्ब करेगा, और रूट कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा? सॉइल से। तो ठीक है, सॉइल से रूट में गया वाटर, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद वो पूरे प्लांट में कैसे पहुंचता है? तो एक्चुअल में वहां पे जो है कंडक्टिव टिश्यू काम करते हैं। कंडक्टिव टिश्यू क्या होते हैं? जो कंडक्ट करेंगे ये ट्रांसपोर्ट, जिसमें मेन तरीके से जो दो टाइप आते हैं उनको हम कहते हैं, दैट इज योर जाइलम एंड फ्लोएम। इनका भी अपना अपना टाइप है कि किसमें कौन हेल्प करेगा। जैसे कि अगर जाइलम की बात करते हैं, तो जाइलम मेनली काम करता है वाटर एंड मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट में। फ्लोएम हेल्प करता है फूड के ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, फूड के नहीं, इनफैक्ट बहुत से, लाइक आप कह सकते हो फाइटो हार्मोन भी जो एक एरिया से दूसरे एरिया जाते हैं, तो वो जाइलम एंड फ्लोएम दोनों का मिक्सअप हो गई, दैट इज हेल्प लेकर ही जाते हैं। तो इस तरीके से ये काम करते हैं। अब देखने वाली बात ये है कि जाइलम में भी टाइप पाए जाते हैं, यानी प्लांट की भी तो कैटेगरी दो है। एक को हम बोलते हैं दैट इज योर एंजियोस्पर्म, दूसरे को हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म एडवांस प्लांट माने जाते हैं, दैट इज वेरी ऑब्वियस। इसमें भी जो है वाटर एंड फूड का ट्रांसपोर्ट होगा, वाटर फूड। ठीक है, इसमें जो वाटर ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है वो मेनली होता है किसका? दैट इज जाइलम वेसल्स का। ठीक है, और फूड जो ट्रांसपोर्ट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं सीव ट्यूब। ये वेसल क्या है? इट इज अ जाइलम वेसल एंड सीव ट्यूब फ्लोएम। सिमिलर केस विद जिम्नोस्पर्म ऑल्सो। जिम्नोस्पर्म में भी दैट इज वाटर एंड फूड की जरूरत होगी, तो वो उन्हें कैसे मिलेगा? वाटर एंड फूड की जरूरत की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे कौन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है? वाटर में मेनली देखा जाता है, वाटर के लिए यहाँ जो यूज होता है दैट इज योर ट्रैकेट्स, जो कि जाइलम एलिमेंट है। एंड फूड के लिए सीव सेल्स, जो कि फ्लोएम का पोर्शन है। जी, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। तो ये एक बेसिक आइडिया हुआ कि प्लांट में वाटर कंडक्ट, मतलब वाटर एंड फूड का ट्रांसपोर्ट होगा, क्योंकि जब एक प्लांट की हम बात कर रहे हैं, तो ये रहा प्लांट, राइट? तो देखने को ये मिलता है कि ये वाला एरिया से ही तो उसे वाटर मिलेगा या फिर मिनरल्स मिलेगा, तो क्या करेगा? ये यहां पे जाएगा, राइट? और इसको फिर पूरे प्लांट में ट्रेवल करना है, तो कोई ना कोई तो चाहिए। ठीक है, और दूसरी जगह पे यहाँ पे फूड का सिंथेसिस होता है, क्योंकि लीव जो है, लीव्स जो होते हैं उनको हम किचन मानते हैं प्लांट का, तो यहाँ पे फूड का सिंथेसिस होता है। लेकिन सिर्फ यहीं पे फूड सिंथेसाइज होने से नहीं होगा ना, उसको तो पूरे प्लांट को देना है, पूरे प्लांट को उसकी नीड होती है, तब फूड का ट्रांसपोर्ट जो है यहाँ से करवाया जाता है। ये फिर इधर आ सकता है या ऊपर की तरफ जा सकता है। अब ये जब करवाने के लिए, जब ये करवा रहे हैं चीज़ें, तो कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए, और प्लांट को जब हमने इन दो कैटेगरी में डिवाइड करके रखा है, तो दोनों के पास अपना अपना सिस्टम चाहिए, और इसी तरीके से ये सब कुछ
मूव ऑन करवाते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब यहीं पे जब हम बात करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ खाना बना दिया और जो है मतलब जैसे हमारे में होता है कि खाना बनाओ भाई लो जाकर देकर चले आओ, ऐसा यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे मेनली कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से काम होता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? ग्रेडियंट का मतलब ही होता है डिफरेंस, ठीक है? ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस। डिफरेंट ग्रेडियंट के आगे मैंने वर्ड लगा है कंसंट्रेशन, तो डिफरेंस किसका? डिफरेंस इन कंसंट्रेशन, यानी कहीं पे कंसंट्रेशन हाई होगा किसका? वाटर का या फूड का। कहीं पे कंसंट्रेशन कम होगा वाटर या फूड का। कंसंट्रेशन में हमेशा देखा जाता है कि जब भी चीजें फ्लो करती हैं तो अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव ऑन करती हैं। जैसे वाटर अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, एंड दैट इज वाई रूट एरिया में वाटर ज्यादा होने के कारण वो अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, क्योंकि ऊपर वाले एरिया में वाटर का कंसंट्रेशन सबसे लो होता है और रूट वाले एरिया में वाटर का कंसंट्रेशन सबसे हाई होता है। सिमिलर केस इज अप्लाइड विद दिस ऑल्सो कि यहाँ पे अगर फूड बना है तो वो यहाँ पे सबसे हाई अमाउंट में होगा, तो वो वहां से कहाँ मूव करेगा? लोअर एरिया में जहां पे खाने की कमी है या जहां पे डिमांड है। तो इस तरीके से हमेशा एक अबंडेंट एरिया से एक नीडी एरिया में मेनली ये ट्रांसपोर्ट देखा जाता है। और इस पूरे सिस्टम को हम दैट इज इन केस ऑफ दी CSIR नेट सिलेबस हम इसको ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ते हैं कि ये कैसे और क्या क्या काम करते हैं, ठीक है? तो ये मेनली हम वैस्कुलर प्लांट्स की बात कर रहे थे जिसमें वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। वैस्कुलर बंडल की अगर हम बात करें तो वी आर मेनली टॉकिंग रिगार्डिंग दी जाइलम एंड फ्लोएम। तो पहला जो आप देखते हो CSIR नेट के सिलेबस में वो होता है वाटर फूड एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट। जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है, जो हमारे पास सेकेंड टॉपिक आता है वो होता है क्या? दैट इज फ्लावरिंग कंडीशन का। प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो आप और आप फ्लावर के बारे में ना पढ़ो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। तो नेक्स्ट कंडीशन आता है फ्लावरिंग। अब फ्लावरिंग के क्या क्या कंडीशन है? अब फ्लावरिंग करवाने के लिए सबसे पहला जो स्टेज होता है प्लांट में वो होता है पहले उस प्लांट का अपना वेजिटेटिव फेज में ग्रो करना। वेजिटेटिव फेज यानी अच्छे से ग्रो करना। प्लांट जब अच्छे से ग्रो होगा उसके बाद ही तो रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर करेगा। और जब इसके इस ग्रोथ की बात करते हैं तो यहीं पे कंसेप्ट चले आते हैं क्या? दैट इज ग्रोथ रेगुलेटर्स। ग्रोथ रेगुलेटर्स हो गए, ठीक है? इसके अलावा जो इनको दैट इज एडवर्स कंडीशन से फाइट करने में हेल्प करते हैं वो हो गए। और यहीं पे ग्रोथ रेगुलेटर की हम बात कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फाइटो हॉर्मोन्स की। यहां चले आते हैं फाइटो हॉर्मोन जो प्लांट को ग्रो करवाने में हेल्प करेंगे, ठीक है? प्लांट को ग्रो करवाने में हेल्प करेंगे, दैट इज फाइटो हॉर्मोन। फाइट करने में या कोई एडवर्स कंडीशन है तो क्या करेंगे? प्लांट कुछ मेटाबोलाइट सिक्रीट करता है जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्लांट वो भी बनाएगा ताकि वो अपने आजू बाजू जो एडवर्स कंडीशन चल रहे हैं उससे फाइट करे। तो इसी चीज में जब हम फ्लावरिंग के लिए ही जब हम प्लांट का नॉर्मल ग्रोथ देखते हैं कि वो फाइटो हार्मोन को कैसे इस्तेमाल कर रहा है, क्या क्या ग्रो कर रहा है, उसके मतलब उसकी लाइफ में बहुत सी चीजें हैं। एक नॉर्मल ग्रो करना उसके लिए खुद एक चैलेंज के बराबर होता है जिसमें कि वो फाइटो हार्मोन एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की हेल्प लेता है। अब मान लेते हैं उसने क्या किया, उसने वेजिटेटिव फेज को अटेन कर लिया। इसके बाद क्या आएगा? सेकेंड वेजिटेटिव फेज से इसका ट्रांजिशन होना कहां पे? फ्लावरिंग फेज में। मतलब फ्लावर करना पड़ेगा ना, सिर्फ वेजिटेटिव यानी सिर्फ बॉडी पे उसके लीव्स रहेंगे स्टेम्स रहेंगे उससे तो काम नहीं चल जाएगा, फ्लावरिंग भी करना पड़ेगा।
उस फ्लावरिंग के लिए क्या करेगा, वो कुछ जीन्स का एक्सप्रेशन करेगा। और यहीं पे चली आएंगी क्या, यहीं पे चली आएंगी कुछ जीन्स जो कि आप जीन्स स्टडी करते हो और जिसको नाम देते हो मेनली फ्लोरल मेरिस्टम आइडेंटिटी जीन कहते हो आप, वो जीन्स यहाँ पे चली आती हैं। अब जब ये फ्लावरिंग फेज को अटेन करेगा तो बहुत से कंडीशन आएंगे, ठीक है। पहले तो आएंगे कि फ्लावर करवाने वाले कंडीशन। अब फ्लावर करवाने वाले कंडीशंस क्या होते हैं, फ्लावर करवाने वाले कंडीशन में पहला कंडीशन होता है भाई उनको टेम्परेचर चाहिए, लो टेम्परेचर चाहिए, किसी को कुछ टेम्परेचर चाहिए वो उनको चाहिए। फिर आता है जैसे टेम्परेचर ट्रीटमेंट को या टेम्परेचर के जो हम स्टडी करते हैं मेनली हम उसे वर्नलाइजेशन कहते हैं, मेनली लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट कहते हैं। फिर आता है कि उनको लाइट चाहिए, जब प्लांट को लाइट की जरूरत पड़ती है तो हम उसे बोलते हैं फोटो पीरियडिज्म, उसके फोटो पीरियड को हम स्टडी करते हैं। फिर उसको चाहिए क्या, उसको एक और कंडीशन चाहिए, दैट इज उसके फ्लावर में जितने भी ऑर्गन्स होंगे उन ऑर्गन्स को बनने के लिए कुछ जीन्स चाहिए, उनका एक्सप्रेशन होगा जिसे मेनली हम एबीसी मॉडल करके पढ़ते हैं। लाइट में भी क्या होता है, लाइट में भी जब लाइट एक प्लांट को रिक्वायरमेंट होती है लाइट की, तो देखा ये जाता है कि उसका रिसीवर भी चाहिए जिसे हम बोलते हैं फोटो रिसेप्टर। इतना ही नहीं, फ्लावरिंग फेज की बात कर लीजिए या फिर प्लांट में ही बात कर लीजिए कि लाइट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो इस फोटो रिसेप्टर को मेनली हम एक और पोर्शन आता है प्लांट फिजियोलॉजी में जिसे हम बोलते हैं सेंसरी फोटो बायोलॉजी। हम उसमें इसको स्टडी कर लेते हैं। तो इस तरीके से इतने सारे फेज देखने को मिलते हैं आपको फ्लावरिंग के लिए कि फ्लावरिंग के लिए क्या क्या चाहिए। एंड फाइनली क्या होता है, फाइनली एक प्लांट जो है फिर फ्लावर करता है। अब फ्लावर के बाद की उसकी लाइफ की बात है कि फ्लावर के बाद क्या करेगा, वो एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो वो क्या करेगा, वो फर्टिलाइजेशन करेगा। फर्टिलाइजेशन करेगा तो दैट इज वेरी ऑब्वियस, वहां पे फिर मेल एंड फीमेल गैमेट की जरूरत पड़ेगी, मेल एंड फीमेल गैमेट मिलेंगे, फिर जाइगोट होगा, जाइगोट के बाद फिर फर्टिलाइजेशन के बाद आप इसमें फिर पढ़ते हो दैट इज योर एम्ब्रियोजेनेसिस। ये वाला फेज चला आता है। तो ये था एक, मतलब इतनी देर में मैंने आपको लगभग जो है प्लांट फिजियोलॉजी का 30 से 40% आपको मैंने एक आउटलाइन दे दिया कि आप क्या क्या चीजें कब कब पढ़ते हो। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे इनको एक सिंगल टॉपिक लेके पढ़ते हैं, बट सारा टॉपिक जो है यहाँ पे अपने आप में कनेक्टेड है। और अगर आप कनेक्ट करके पढ़ते हो तो यू वुड बी नोइंग कि आप ये क्यों पढ़ रहे हो और किस सेक्शन में इसको पढ़ रहे हो। तो ये था दैट इज फ्लावरिंग कंडीशन की बात। नेक्स्ट आता है कि प्लांट को अगर सर्वाइव करना है एंड ग्रो करना है तो देर आर सो मेनी फैक्टर्स जिसे हम मेनली कहते हैं क्या, दैट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब ही हो गया कि कोई चीज जो है बन रही है, कोई चीज ब्रेक हो रही है, यानी कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म यहां पे रेगुलर बेसिस पे परफॉर्म हो रहा है। साथ ही साथ वो कुछ ऐसा दैट इज आप कह सकते हो मेटाबोलाइट्स बनाते हैं जो कि उनको ग्रोथ में हेल्प करता है, उनको प्रॉपर ढंग से अपना फूड बनाने में हेल्प करता है, एनर्जी लेने में हेल्प करता है, जिसमें कि मेनली आपके चले आते हैं मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में कि वो खाना कैसे बनाते हैं, जिसमें कि हम फोटो सिंथेसिस पढ़ते हैं। इसके बाद हम इसी के अंदर पढ़ते हैं दैट इज C3 साइकिल कैसे रन होता है, फिर हम देखते हैं कि C2 साइकिल क्या होता है, C2 के बाद VC की C4 साइकिल क्या होता है, फिर कैम क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें हम यहाँ पे देखते हैं। ग्लाइकोलिसिस क्यों करते हैं प्लांट, TCA साइकिल क्यों चलती है, ये सारी चीजें प्लांट में ही होती है। और एक ही काम होता है इन सब चीजों का कि भाई प्लांट सरवाइव करना चाहता है और ग्रो करना चाहता है, इसलिए इतने मेटाबॉलिक एक्टिविटी वो परफॉर्म करता है। और इस तरीके से आप मेटाबॉलिज्म में इनके सारे कंडीशन देखते हो। अब आप इसको अगर एक टॉपिक मान के चलोगे कि हाँ
इसको पढ़ना है, ये सिलेबस का पार्ट है, तो कभी नहीं समझ पाओगे। लेकिन अगर इस तरीके से देखकर समझ के चलते हो कि नहीं, ये एक सर्वाइवल की स्ट्रैटेजी है, तो आपको तब जाकर ये टॉपिक पढ़ने में इंटरेस्ट जगता है। इतना ही नहीं, सर्वाइवल एंड ग्रोथ के कंडीशन के साथ साथ यहाँ पे प्लांट को जो है स्ट्रेस कंडीशन भी झेलना पड़ता है। अब स्ट्रेस में यहाँ पे चले आते हैं, इनके पास अलग अलग टाइप के स्ट्रेस चले आते हैं, एबायोटिक स्ट्रेस, इसके अलावा बायोटिक स्ट्रेस। एबायोटिक स्ट्रेस में क्या हो गया, एबायोटिक स्ट्रेस में यानी वो स्ट्रेस जो कि टेम्परेचर की वजह से हुआ हो, लाइट की वजह से हुआ हो, वाटर की वजह से, सॉल्ट की वजह से, इन सब की वजह से होने वाला स्ट्रेस हम एबायोटिक कहते हैं, जिसमें कोई लाइफ नहीं होती है। ठीक है, बायोटिक में क्या होता है, बायोटिक में हो जाती है लाइफ, जैसे कि हो गया जो बैक्टीरिया से हो गया हो, वायरस से, फंजाई, प्रोटोजोआ। ठीक है, इन सब चीजों से होने वाले स्ट्रेस को हम एबायोटिक स्ट्रेस कहते हैं। अब ये स्ट्रेस के रिस्पॉन्स करने का तरीका क्या होता है प्लांट का, दो से तीन तरीके होते हैं। आपको पता होगा कि प्लांट में अपना कोई इम्यून सिस्टम होता नहीं है, तो प्लांट क्या कर सकता है, प्लांट दो चीजें कर सकता है, या तो डेथ हो जाएगी या क्या करेगा, रिस्पॉन्स शो करेगा। अब रिस्पॉन्स अगर शो करता है तो कैसे शो करेगा, अगेंस्ट स्ट्रेस, या फिर कुछ एडेप्टेशन कर लेगा, राइट, या फिर क्या करेगा अपनी, दैट इज जो भी आप कह सकते हो कि एडेप्टेशन अगर नहीं कर सकता है, तो अगर वो कंडीशन जनरेट हो गई है तो उसको मिनिमाइज करने के लिए कुछ एक्शन करेगा। और इस तरीके से प्लांट एक रिस्पॉन्स करेगा जब भी वो एक स्ट्रेस कंडीशन को झेलेगा। अब ये अगेंस्ट, एडेप्टेशन, मिनिमाइज, ये सब में बहुत सारे अलग से प्रोसेस चले आते हैं कि अगर अगेंस्ट करेगा तो उसको अपना प्लांट को, दैट इज जो भी उसके फाइटो हार्मोन है, लाइक एबी हो गया, इथिलीन हो गया, जासमोनिक एसिड हो गया, इन सबका इस्तेमाल करना पड़ेगा। एडेप्टेशन करेगा तो वाटर स्ट्रेस में वो थिक क्यूटिकल्स को ग्रो कर सकता है, अपने बॉडी से लीव्स को कम कर सकता है। ठीक है, लाइट की बात करें तो स्टोमेटा को वो क्लोज कर सकता है, या फिर उस एरिया से स्टोमेटा को हटा सकता है, इस टाइप से जो है, मतलब कि सॉरी दैट इज योर क्लोरोप्लास्ट को हटा सकता है। तो इस टाइप से बहुत से डिफरेंट डिफरेंट एडेप्टेशन है जो कि आपको स्ट्रेस फिजियोलॉजी में देखने को मिलते हैं। तो ये हो जाती है बातें कि रिस्पॉन्स कैसे किया, क्योंकि सर्वाइवल एंड ग्रोथ में मेटाबॉलिज्म तो आता ही है, लेकिन वी कांट एक्सक्लूड कि एक ऑर्गेनिज्म इतने सारे डिफरेंट इन्वायरमेंटल स्ट्रेस से भी होकर गुजर रहा है। तो ये हो गई नॉर्मल बातें। इसके बाद आती हैं कुछ और डिटेल में चीजें जो कि मेनली आप पढ़ते हो फाइटो हार्मोन के केस में। अब फाइटो हार्मोन आपको बताया था, फाइटो हार्मोन ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ में ही हेल्प करें, देर आर सो मैनी डिफरेंट थिंग, कि वो ग्रोथ में तो हेल्प करते ही हैं, साथ साथ में फ्लावरिंग में हेल्प करते हैं, स्ट्रेस रिस्पॉन्स में हेल्प करते हैं, नॉर्मल बेसिस पे देखा जाए तो दैट इज अलग अलग जो मेटाबॉलिक पाथवे होते हैं, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, लाइट कैप्चरिंग में हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो नॉर्मल प्लांट में फंक्शनिंग देखी जाती है, मेनली जो एक एरिया से दूसरे एरिया में ट्रांसपोर्ट की, उसे कंट्रोल करते हैं, किस एरिया में कौन सा पार्ट बनना चाहिए, कब नहीं बनना चाहिए, इन सब को भी ये रेगुलेट करते हैं। एंड दैट इज वाई आप फाइटो हार्मोन का पोर्शन कभी लीव ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि उनका चाहे बायोसिंथेसिस हो, ट्रांसपोर्ट हो, या फिर उनका सिग्नलिंग हो, सारी की सारी चीजें फाइटो हार्मोन में इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, नहीं प्रियंका, खाली दो सब्जेक्ट के लिए कोई सब्सक्रिप्शन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आपको मंथली बेसिस पे सब्सक्रिप्शन लेकर चलना होता है, सब्जेक्ट बेसिस पे सब्सक्रिप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपके तीन से चार मेजर टॉपिक। आप कुछ पढ़ो ना पढ़ो, प्लांट में ये चार मेजर टॉपिक आपको पढ़ने ही पड़ते हैं, और अगर आप इसमें से स्किप करते हो तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, और इसी में जो है दैट इज
ये ऑलमोस्ट आपका 80% सिलेबस कवर कर ले रहा है, लेकिन अगर इसको स्किप करोगे तो फिर स्कोर कहाँ पे करोगे? ठीक है, इसके बाद आते हैं आपके फोटो रिसेप्टर्स। फोटो रिसेप्टर में, क्योंकि लाइट एक ऐसी चीज है जो कि एक प्लांट को भी चाहिए, चाहे वो फ्लावरिंग कंडीशन हो या नॉर्मल कंडीशन हो। तो फोटो रिसेप्टर में देर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ फोटो रिसेप्टर, जैसे कि हो गया दैट इज योर फाइटोक्रोम, क्रिप्टोक्रोम, फोटोट्रोपिन। ये सब क्या करते हैं, ये सब प्लांट को एक तरीके से लाइट भी रिसीव करवा रहे हैं और फ्लावरिंग भी करवा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं फोटो रिसेप्टर में इंक्लूड जाएंगी, क्योंकि अगर लाइट की डिमांड करता है एक प्लांट तो उसको उसके पास ऐसी भी चीजें होनी चाहिए जो उस लाइट को रिसीव करे, बिना रिसीव किए तो वो उसके लिए कुछ कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, फिर प्लांट में ही देखी जाती है दैट इज एजिंग की प्रोसेस, जिसमें कि मेनली वो सेनेसेंस स्टेज में कैसे बिहेव करते हैं, उनकी बॉडी के कौन कौन से पार्ट कैसे कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, कैसे डिट्योरेशन होता है, और उस टाइम में वो कौन सा एक्शन करते हैं, क्या कोई ऐसा भी एक्शन है जो कि उनके एजिंग प्रोसेस को बढ़ाता है या कम कर सकता है, क्या कोई ऐसे फाइटो हार्मोन है जो कि एजिंग प्रोसेस को बढ़ा या कम कर रहे हैं। ये सारे फैक्टर आप एजिंग प्रोसेस में पढ़ सकते हो, बट ये आप कह सकते हो कि यस एजिंग प्रोसेस थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आपको ये टफ लगता है आप इसको लीव कर सकते हो, लेकिन इसके अलावा जितने पोर्शन मैंने कहे दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू कवर दैट। ओके, फाइन। तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो था, आप में से बहुत से स्टूडेंट ने हमें मेंशन किया था कि क्या पढ़ना है प्लांट फिजियोलॉजी में, अगर ये एक आइडिया लग जाए और उसको भी कनेक्टिंग पॉइंट की तरह तो पढ़ने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो ये सारा मैंने एक कनेक्टिंग पॉइंट बताया है। अब आप इसे, मैक्सिमम स्टूडेंट इसे एक एक टॉपिक करके पढ़ते हैं, बट एक्चुअल में एक एक टॉपिक है ही नहीं, ये सारा कनेक्टिंग पॉइंट है। और यहाँ से अगर आप कनेक्टिंग पॉइंट हटाते हो तो फिर आपको चीज़ें जल्दी समझ में नहीं आएंगी। तो बेटर है कनेक्टिंग पॉइंट के साथ पढ़िए और अच्छा पढ़िए। ओके फाइन, तो मिलना होगा आपसे कल। कल हम प्लांट फिजियोलॉजी का कोई एक नया कंसेप्ट, इनमें से कोई एक कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे, और मैं उम्मीद करती हूँ ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा, आपको एक आइडिया मिला होगा कि जो भी स्टूडेंट प्लांट फिजियोलॉजी को टारगेट कर रहे हैं उनको पढ़ना क्या है, जो स्पेशली जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। और दो प्लस में ही मैं ये सारे के सारे टॉपिक पढ़ाती हूँ, तो आप चाहें तो प्लस भी ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप जो है अगर प्रिपेयर करना चाहते हैं प्लांट फिजियोलॉजी को तो। और इसके अलावा आप में से कोई स्टूडेंट अगर दैट इज योर अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने में इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है ज्योति कुमारी अनअकैडमी, आप ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्टडी मटीरियल, अच्छी अच्छी जो लेटेस्ट ई बुक्स होती हैं वो भी यहाँ पे देती रहती हूँ, साथ ही साथ जितने भी फ्री क्लासेस चलती हैं प्लेटफॉर्म पे उनको भी यहाँ मैं प्रोवाइड करती रहती हूँ। साथ ही साथ वन मोर थिंग, कल मेरा अनअकैडमी पे एक स्पेशल क्लास है जिसे हम कहते हैं फ्री क्लास, और आप लोग की डिमांड पे ही मैं वो क्लास ले रही हूँ, और क्लास का टॉपिक है दैट इज डिक्टोस्टीलियम डिस्कॉडियम। ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी का टॉपिक है, काफी बच्चे इस टॉपिक में कंफ्यूज रहते हैं। तो कल मैं 1 बजे, ओके 1 PM पे प्लेटफॉर्म पे मेरी क्लास है, तो आप इसे अटेंड कर सकते हैं, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 घंटे की क्लास होगी, 1 बजे होगी, डिक्टोस्टीलियम के डेवलपमेंटल बायोलॉजी पे मैं क्लास लूंगी, तो आप अटेंड कर सकते हैं। बट उसके लिए आपके मोबाइल में दैट इज अनअकैडमी का लर्निंग ऐप होना जरूरी है, और अगर आपके मोबाइल में अनअकैडमी का लर्निंग ऐप नहीं है तो आप लॉग इन कर लीजिएगा। लॉग इन करके हो सकता है क्लास को अनलॉक करने के लिए आपसे कोड मांगे, अगेन यही कोड एंटर कर देंगे तो आपको पूरा प्लेटफॉर्म अनलॉक हो जाएगा, तो आप जो है वहां पे भी जो है फ्री क्लासेस देख सकते हैं। ओके चलिए, फिर मिलना होगा आप लोगों से कल सिमिलरली इसी टाइम पे। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।